ओम क्रिया बाबा जी नमः, ओम श्री मातृ नमः। विश्व के परम गुरु श्री महाअवतार बाबा जी, उनकी बहन श्री नागलक्ष्मी माता तथा ललिता परमेश्वरी का साक्षात विग्रह श्री आनंदमयी माता, श्री दत्तात्रेय जी, श्री परशुराम जी, श्री आदि शंकराचार्य और मेरे शरीरधारी गुरु को प्रणाम करके आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। आज का जो विषय है वो अभी कुछ दिन बाद करवा चौथ का व्रत का दिन आएगा, तो उस करवा चौथ के व्रत का जो आध्यात्मिक रूपी रहस्य है उसको बताने की कोशिश इस सत्संग में कर रहा हो। हमारी संस्था जो श्री विद्या संजीवन साधना सेवा पीठम ठाणे जो है, वहाँ से हम अपनी संस्था से सभी साधकों को अलग अलग स्वरूप का ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। जितना ज्ञान देने की कोशिश होती है, अर्थात जो जो साधक है उसको हमारे आसपास का थोड़ा बहुत तो अलग अलग रूप का ज्ञान होना चाहिए, यही आशा हमारी रहती है। तो इसी विषय में हमने ये करवा चौथ के व्रत का आध्यात्मिक रहस्य रूपी एक सत्संग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमें सामान्यतः समाज में करवा चौथ के व्रत का इतना ही पता होता है कि कोई कथा हम सुनते हैं, एक पूजा करके पति के दीर्घायु के लिए, एक लंबी आयु के लिए उपवास, एक निर्जल रूपी उपवास रखते हैं, और शाम को जब चंद्रोदय होता है तो चंद्र की पूजा करने के बाद पति की पूजा करते हैं, और पति की पूजा के बाद पति के हाथ से जल पीकर उपवास छोड़ते हैं। अब इसी ये जो करवा चौथ है इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, इसी को ही हम इस सत्संग में जानेंगे। बाकी कुछ अन्य विषय और अन्य कथाएं जो होती है वो आप जानते ही होंगे, तो उसकी विशेष रूप से यहाँ उतनी जरूरत नहीं है। परम पिता परमेश्वर भगवान शिव ने हमारे सामने सृष्टि चक्र के अनेक गुह्य जो राज थे, उन राजों को हमारे सामने प्रक्षेपित किया। उसमें से ये सारे व्रत भी है, पर इन व्रतों का ओरिजिनल और मूल सत्य क्या है वो कलयुग में हम भूल चुके हैं। शिव ने बताया है कि सृष्टि के प्रथम आधे भाग में, अर्थात सतयुग और त्रेता युग में, सभी आत्माएं शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिक रूप से स्वस्थ थी, लेकिन जब द्वापर युग आया तो माया अर्थात पांच विकारों की बीमारी मनुष्य के शरीर को लगी और आत्मा सभी प्रकार से अस्वस्थ होने लगी, अर्थात दूषित होने लगी। अब जैसे हमारे घर में कोई अस्वस्थ होता है, बीमार होता है, तो उसके लिए जब हम सलाह लेने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसी प्रकार जो ये बीमार अर्थात दूषित हो चुकी ये जीवात्मा है, उसके तन मन के स्वास्थ्य के लिए, घर में शांति समृद्धि लाने के लिए, एक अकस्मात रूपी ये जो सलाह है हाँ, ये सलाहों ने नियम, व्रत आदि का, जो अलग अलग प्रकार के व्रत है, अलग अलग प्रकार के पूजा पठन है, उनका निर्माण हो चुका। यह तो हम सभी जानते हैं कि एक पौधे का निर्माण का मूल उसका आधार रूपी बीज होता है। पौधे की नस्ल को सुधारने के लिए बीज को सुधारना अत्यंत आवश्यक है, और इस बात की जानकारी के अभाव में यदि कोई पेड़ के तने को धागा बांधकर, पत्तों पर दो चीटे मारकर, शाखाओं पर हल्दी, रोली, तिलक आदि लगा दे, तो क्या पौधा सुधर जाएगा? ऐसा तो हो नहीं सकता, यह आप भी जानते हैं। आजकल की साधनाएं जो चल रही है अलग अलग जगहों पे, मूल रूप से जो सिखाने वाला है उसकी ही शुद्धि पूरी पूर्ण नहीं है, और साधक जो है वो भी गुरु होना कैसे चाहिए, गुरु कैसे चाहिए, अर्थात जो विद्या जिस रूप से ग्रहण करनी चाहिए वो विद्या देने वाला गुरु कैसे होना चाहिए, ये नियम ही साधकों को पता नहीं है। द्वापर युग के बाद आत्मा की पहचान इन अलग अलग विकारों के कारण खो चुकी, और जिससे कि शरीर से संबंधित अनेक प्रकार के कर्मकांड करने द्वापर युग के बाद शुरू हो चुके। शरीरों को सजाया जाने लगा, कहीं धागे, कंगन पहनने और अन्य भी अनेक प्रकार के खान पान से संबंधित नियम बने, लेकिन दर्द बढ़ता गया जो जो दवा की, अर्थात जैसे जैसे अलग अलग प्रकार के दर्द आ गए, अलग अलग प्रकार का दुख आ गया मनुष्य शरीर के जीवन में, संसार में, उस प्रकार से अलग अलग दवा भी आने शुरू हो गई। अर्थात ये दवा में कोई औषधि नहीं बता रहा हूँ, ये व्रत नियम और अलग अलग प्रकार के जो
जो उपासनाएं साधनाएं उन रूप को कह रहा हूँ। द्वापर युग के बाद प्रारंभ होने वाले अनेक प्रकारों के व्रतों में से एक मुख्य व्रत है करवा चौथ का व्रत। संसार में जहाँ जहाँ भी भारतीय लोग है वहाँ यह व्रत पूरे हर्षोल्लास से, श्रद्धा से और भावना से किया जाता है, मनाया जाता है। महिलाओं की सहन शक्ति का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि एक पूरा दिन निर्जल उपवास करना ये कोई सामान्य बात नहीं है। इससे महिलाओं की सक्षमता और संयम का गुण जो है, सहनशीलता का गुण जो है, वो प्रदर्शित होता है। अब ये करवा चौथ के व्रत का उद्देश्य क्या है? शादीशुदा महिलाएं पति की लंबी आयु तथा उसके जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लक्ष्य से यह व्रत रखते हैं। कहीं कहीं कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत का पालन करती है। उनके मन में भी होने वाले पति के लिए, यानी जो शादी के बाद जो पति होगा वो अच्छा मिले, उस उद्देश्य से ये व्रत करती है। पूरे आनंद से और सश्रद्ध भावना से ये पूरा जो व्रत उत्सव है वो उत्तर भारत में और जितने सारे दुनिया भर में जिस जिस देश में ये लोग, भारतीय लोग है, वहाँ आनंद से ये सब उत्सव बनाते हैं। पर इस व्रत के फल से संबंधित कुछ विचारणीय तथ्य है, और इस विचारणीय तथ्य जो है उसको हम अगले सत्संग में सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिलहाल धन्यवाद आगे के लेख को, आगे के जो सत्संग है उसको सुनने के लिए। हमारा YouTube चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ये जो आध्यात्मिक रहस्य है, जो दबा पड़ा हुआ है, वो आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।